नमस्कार दोस्तों, आपकी खबर टेलीविजन जगत से। कम उम्र में ही गंभीर बीमारी की चपेट में आई ये टीवी हसीनाएं सुनकर आपको भी लगेगा सदमा। कई हसीनाएं ऐसी हैं जो कम उम्र में ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। जहां एक तरफ ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शिवांगी जोशी को किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, तो वहीं कुमकुम भाग्य की आलिया ने भी अपनी बीमारी का खुलासा किया है। गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं टीवी हसीनाएं। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नायरा यानी शिवांगी जोशी ने कुछ ही दिनों पहले पोस्ट करके बताया था कि वह गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उनकी परेशानी को सुनने के बाद फैंस से लेकर कई सितारों तक ने उनके जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की थी। लेकिन बता दें, शिवांगी जोशी के साथ साथ टीवी की कई हसीनाएं ऐसी हैं जो कम उम्र में ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। इस लिस्ट में बिग बॉस 16 के निमृत कौर आहलूवालिया से लेकर देवीलोना भट्टाचार्य जी तक शामिल हैं। शिवांगी जोशी को किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके अपनी परेशानी फैंस से साझा की। वहीं टीवी स्टार्स और फैंस ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। उर्फी जावेद ने बताया था कि दुबई ट्रिप के दौरान उन्हें वॉइस बॉक्स में इन्फेक्शन हो गया था, जिसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया था कि उन्हें कपड़ों से एलर्जी है। निमृत कौर आहलूवालिया। बिग बॉस 16 की निमृत कौर आहलूवालिया ने शो में बताया था कि वह डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं थी। इसके साथ ही उन्होंने बार बार थकावट महसूस होने की शिकायत भी की थी। देवोलीना भट्टाचार्य जी को बिग बॉस 13 की रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उन्हें आज तक परेशानी होती है। वहीं कुछ वक्त पहले वह मानसिक रूप से भी परेशान हो गई थी। निशा रावल ने बताया था कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गई हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही निशा रावल के पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था। इस बात की जानकारी उन्होंने इंस्टाग्राम पे दी। सुमोना चक्रवर्ती ने बताया था कि वो एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारी से जूझ रही हैं। उनकी यह बीमारी गर्भाशय से जुड़ी हुई है। एक्ट्रेस ने इस बात का खुलासा 2021 में किया था। शिखा सिंह ने अपने वीडियो में बताया था कि वह मानसिक रूप से परेशान हो चुकी हैं। वो अपने आप को भी भूल चुकी हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वह अपनी बीमारी के बारे में बात करते हुए रो पड़ी थी। ऐश्वर्या सखूजा ने बताया था कि 2014 में बलराम से हंट सिंड्रोम का शिकार हो गई थी। इसके चलते उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया था। नविका कोटिया। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस नविका कोटिया ने मेनिनजाइटिस हो गया था। इस बीमारी के कारण उन्हें कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। तो ये थी रिपोर्ट टीवी हसीनाओं की जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।